की कटाई के समय तार से छुआ कंबाइन मशीन करंट से मजदूर की मौत। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के औसानपुर गांव के सीवान में गेहूं की कटाई के दौरान शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। आग से बाहर निकालते समय कंबाइन मशीन लटकते बिजली तार के संपर्क में आ गई, इससे मशीन पर बैठे मजदूर के करंट से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग लगी की घटना में 15 बीघा गेहूं की फसल भी जलकर नष्ट हो गई। क्षेत्र के औसानपुर के सीवान में सोमवार दोपहर 1 बजे महाराजगंज जनपद से कंबाइन मशीन लेकर आए फोरमैन मानवेंद्र चौधरी गेहूं की कटाई कर रहे थे और अभी थोड़ी देर ही मशीन चली थी कि वहां के निवासी निजामुद्दीन उर्फ छोटे चौधरी के खेत के ऊपर से गए 11,000 वोल्टेज तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें बढ़ती देख मानवेंद्र चौधरी ने साथ में काम करने वाले मजदूर नीलेश चौधरी उम्र 32 वर्ष निवासी सिंहपुर थाना थरौली जनपद महाराजगंज को मशीन बाहर निकालने के लिए कहा। निकालते समय ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार के कंबाइन मशीन के संपर्क में आने से नीलेश की करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। आग लगने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ अग्निशमन और पुलिस तथा तहसील प्रशासन के लोग पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। डुमरियागंज पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने आग से हुई क्षति का आकलन किया। डुमरियागंज थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मृतक मजदूर की लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कंबाइन मशीन के फोरमैन की ओर से दी गई लिखित सूचना में मजदूर की मौत विद्युत स्पर्शाघात से बताई गई है। बिजली विभाग के खिलाफ या किसी अन्य के खिलाफ कोई आरोप या तहरीर नहीं दी गई है।